आप सभी के माध्यम से मैं अपने सभी अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को एक संवाद देना चाहता हूं, पुलिस पदाधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी 6 मूल मंत्र लेकर काम करें। 6 स की मैं बात कर रहा हूं। समय अर्थात रिस्पांस टाइम जितना कम होगा पुलिसिंग उतनी अच्छी होगी। स से सार्थक अर्थात आप जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो सार्थक हो, वो नजर आए कि कार्रवाई हुई है, अपराधियों में खौफ आए कि पुलिस ने कार्रवाई की है। स से संवेदनशीलता, मेरी अपेक्षा होगी कि मेरे पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मी संवेदनशील हो और पीड़ितों के प्रति विशेष तौर पर उनकी संवेदनशीलता दिखनी चाहिए। कोई पीड़ित व्यक्ति, पुरुष या महिला कोई भी, उनके सम्मुख अगर आता है अपना कंप्लेन लेकर, अपनी शिकायत लेकर, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसकी बातों को सुने और संवेदनशीलता बरतें। इसके बाद आती है शक्ति। यदि हम शक्ति नहीं रखेंगे, हम सशक्त नहीं होंगे, तो अपराधी हम पर भारी होंगे। तो मेरा ये संदेश है मेरे सभी अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को, पुलिस पदाधिकारियों को, कि आप अपने कार्रवाई में शक्ति लाइए। अर्थात हम अपने आप को इतना मजबूत करें कि अपराधी हमसे खौफ खाएं। और यह तभी संभव है जब पुलिस में हम शक्ति स्वरूप काम करेंगे। अगला स है सत्यनिष्ठा, क्योंकि यदि हम सत्यनिष्ठ नहीं होंगे, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, तो हम से जो अपेक्षा है बिहार की जनता की, समाज की, हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद सभी कार्रवाई के उपरांत जो अंतिम स है वह है स्पीडी ट्रायल, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि अनुसंधान करके हम समय से कांडों में आरोप पत्र समर्पित करें और उसके पश्चात स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को सजा देना है। तो हमारा फोकस एरिया होगा प्रिवेंटिव पुलिसिंग अर्थात निरोधात्मक पुलिसिंग की कार्रवाई, हमारा फोकस एरिया होगा अपराधियों पर रोकथाम, उन पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई, और तीसरा फोकस एरिया होगा हमारा अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाना। मैं इसके पहले निगरानी में था, वहाँ मैंने कई कन्विक्शन कराए हम लोगों ने निगरानी एक केसेस में। इसी तरह से यहाँ भी मैं सभी अपने पदाधिकारियों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाएं। और फोकस एरिया जो हमारा है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, इस पे हमें फोकस करना है। मैं एक बार फिर से समस्त बिहार वासियों को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वे पुलिस के साथ सहयोग करें और बिहार की जनता और पुलिस साथ साथ मिलकर काम करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।